Hello, I'm Seema, and welcome to the Hindi version of part 25 of the chapter Organic Chemistry, Some Basic Principles and Techniques. इस वीडियो में मैं आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊंगी. इस चैप्टर के पार्ट 7 में मैंने आपको कैक्यूले के बारे में बताया था कि जब कैक्यूले सोच रहा था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा है और उसको समझ नहीं आ रहा था, तो एक दिन सोते हुए उसे सपना आया और उस ड्रीम में उसने क्या देखा कि जो एक स्नेक है वो अपनी टेल को अपने माउथ में डाल देता है और एक रिंग बन जाती है. तो वो एकदम से अपनी नींद से उठा और उसने बेंजीन का स्ट्रक्चर जो 6 कार्बन थे क्या किया कि आखिरी कार्बन को फर्स्ट कार्बन से जोड़ दिया और एक रिंग बना दी. और जैसे ही उसने रिंग बनाई तो उसे पता था कि कार्बन 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन्स हैं और उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये सारे कार्बन्स के हर कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा और एक मतलब और 6 ही हाइड्रोजन्स हैं तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनेगा. तो जैसे ही उसने माउथ और टेल को ज्वाइन कर दिया, मतलब रिंग बना दी और उसने ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स बना दिए, तो उसको ये स्ट्रक्चर मिल गया जो बेंजीन का स्ट्रक्चर था. और ये बहुत मेजर ब्रेक थ्रू थी कि उसको जब ये स्ट्रक्चर का पता चला, बेंजीन के स्ट्रक्चर का. अब उसने बेंजीन स्ट्रक्चर तो बना लिया, पर इस स्ट्रक्चर में अब एक प्रॉब्लम थी. अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर एक्चुअली ऐसा होता है कि भाई उसमें एक सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो अगर देखो तो हर कार्बन जो है इसमें 4 बॉन्ड्स बना रहा है. देखो ये कार्बन को लो, एक तरफ ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और दूसरी तरफ के कार्बन के साथ ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मतलब 3 बॉन्ड्स बनाए और एक बॉन्ड वो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है. तो हर कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा है और हर हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है जब उसने डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर बना दिया. अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ होती है 154 पिकोमीटर्स और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ होती है 134 पिकोमीटर्स. लेकिन जब आप बेंजीन को पढ़ते थे या देखते थे उसके रिएक्शंस को, या आप एक्सपेक्ट करते थे कि जो डबल बॉन्ड है उसका बिहेवियर अलग होना चाहिए और सिंगल बॉन्ड का बिहेवियर अलग होना चाहिए, लेकिन दिखता ये था कि हर बॉन्ड, चाहे वो सिंगल बॉन्ड है या वो डबल बॉन्ड है, वो एक जैसा ही बिहेव कर रहा है. ना तो वो पूरी तरह डबल बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है और ना ही वो पूरी तरह सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है. तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इसको. और देखा कि सारे बॉन्ड्स जो है 6 के 6 बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन, वो सबके सबकी बॉन्ड लेंथ, ना तो वो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ थी 154, ना वो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ थी 134, वो इन दोनों के बीच की थी, That is 139 picometers. इसको कैसे एक्सप्लेन करते हो? तो उन्होंने बोला कि लेटर इमेजिन करो कि ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं बेंजीन के. इसको भी आप कैलकुलेट के हिसाब से ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है. ध्यान से देखो, दोनों के दोनों में वही चीज है कि 6 इलेक्ट्रॉन 6 कार्बन्स हैं और जो है डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिंग है. लेकिन अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं और इसको कार्बन 1 माने, इसको 2, 3, 4, 5, 6, तो इस पहले स्ट्रक्चर में जो डबल बॉन्ड है वो 2 और 3 के बीच में है, 4 और 5 के बीच में है, 6 और 1 के बीच में है, ठीक है. और इस स्ट्रक्चर में देखो जो डबल बॉन्ड है वो 1 और 2 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में और 5 और 6 के बीच में. इसका मतलब दोनों स्ट्रक्चर्स में जो डबल बॉन्ड है उनकी पोजीशंस अलग है. तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो साइंटिस्ट को पता चला कि एक्चुअली इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है. अगर हम इमेजिन करें कि इस वाले स्ट्रक्चर को मैं इसके ऊपर रख दूं, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दें, अगर हम ओवरलैप कर दें और ये जो डबल बॉन्ड्स हैं, सेकंड बॉन्ड है, इसको इमेजिन करें कि ये प्रॉपरली डबल बॉन्ड नहीं है या सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो इसका डबल बॉन्ड इसके सिंगल बॉन्ड पे पड़ेगा, ठीक है, और इसका सिंगल बॉन्ड इसके डबल बॉन्ड पे पड़ रहा है. और आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर अल्टीमेटली मिल जाएगा जो, अगर आप ये इमेजिन करो कि ये डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, तो डॉट 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 बना दोगे कि सिंगल बॉन्ड तो है ही है और सेकंड बॉन्ड डाउटफुल है कि कहां पे है, आधा इसमें है और आधा अगले वाले में, आधा पीछे वाले में, उसके बाद अगले वाले में, तो आप ये डॉट्स दिखा देते हो. और अब जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही सिमेट्रिकल बनता है. ये मैंने जगह कम होने से मैंने इसको बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाया, लेकिन ये जो डॉट्स हैं ये दिखाती हैं कि सभी बॉन्ड्स जो हैं वो इक्वल हैं और ना तो वो डबल बॉन्ड है ना ही वो सिंगल बॉन्ड है, मतलब कि वो इन दो स्ट्रक्चर्स का, ये स्ट्रक्चर जो है इन दो स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड है, इन दोनों के बीच का कोई स्ट्रक्चर है.
या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स 1 एंड 2 जो कैक्यूले ने इमेजिन किए थे वो सिर्फ इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स थे, एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं था. एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो ना तो ये है और ना ये है, ये भी है और ये भी है. इट्स रियली आप एक स्ट्रक्चर से इस एक्चुअल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपको दोनों स्ट्रक्चर्स उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और फाइनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं. इस फिनोमिनन को कहते हैं रेजोनेंस, जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक जगह पे फिक्स्ड नहीं होते, वो मूव करते हैं. जो सिंगल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है सिग्मा बॉन्ड वो तो वैसा ही रहता है, लेकिन जो सेकंड बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स वो मूव करते हैं, और अगर वो मूव करते हैं वो रेजोनेट करते हैं. व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस जैसे कोई गाना आपके कान में बजता है तो वो साउंड जो है वो रेजोनेट करती है, आई गई एंड उससे वो आपको वो रेजोनेशन रेजोनेंस फील होती है. तो इसको हम कहते हैं कि ये एक जब दो स्ट्रक्चर्स एक के ऊपर एक रख दिया तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जो है वो रेजोनेट कर रहे हैं. कभी वो आपको सिंगल बॉन्ड लग रहा है, कभी वो आपको डबल बॉन्ड लग रहा है, एक्चुअली सबके सब इक्वल लग रहे हैं. तो फिर हम क्या कहते हैं, अब हम रेजोनेंस के बारे में पढ़ें कि बिहेवियर ऑफ मेनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर. हमने तो बेंजीन का एग्जाम्पल लिया, ऐसे कई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको आप एक स्ट्रक्चर से उनके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते या उनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते. आपको एक से ज्यादा थियोरेटिकल स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं, और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो इन सबको मिलाकर कुछ उनका एवरेज सा होता है, उनका हाइब्रिड होता है. सो ये दोनों स्ट्रक्चर्स बेंजीन के ये एनर्जेटिकली आइडेंटिकल है, मतलब इनकी दोनों की एनर्जी इक्वल है, लेकिन जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसकी एनर्जी इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से किसी भी स्ट्रक्चर से कम होती है. रेजोनेंस हाइब्रिड हमेशा उसकी एनर्जी कम होती है कैनोनिकल फॉर्म्स से या ओरिजिनल जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं. इनको कैनोनिकल फॉर्म्स बोलते हैं या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये दोनों इन दोनों में रेजोनेंस होके रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहा है, इसलिए ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं. तो इन जो हाइब्रिड की एनर्जी होती है वो कम होती है. क्यों? हाइब्रिडाइजेशन होगी ही कब, और एनर्जी किसी भी एटम की या मॉलिक्यूल की ज्यादा कब होती है, आप में एनर्जी कब ज्यादा होती है? जब आपको कोई काम करना है, आपको चलना है, आपको कोई काम कुछ करना है, आप भागोगे, आपको पढ़ना है क्योंकि आपका एग्जाम है, तब आपकी एनर्जी ज्यादा होगी. जब आप स्टेबल हो, जब आप घर में रिलैक्स कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी तब कैसी होगी? आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, आप आराम से, आपकी एनर्जी लोअर है. हाइब्रिडाइजेशन होती ही इसीलिए है ताकि इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, ताकि वो मिलके फटाफट मेहनत करके हाइब्रिड बन जाएं, और जब हाइब्रिड बन गया तो उसकी एनर्जी कम है, वो अब रिलैक्स्ड है, अब वो स्टेबल है. तो हाइब्रिड जो होता है वो कैनोनिकल फॉर्म से हाइब्रिड की एनर्जी हमेशा कम होती है क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होता है. और कोई भी चीज स्टेबल है इसीलिए तो वो फिनोमिनन होता है, स्टेबिलिटी के लिए ही तो हम सब मेहनत करते हैं ना. जो भी आप काम करोगे वो इसीलिए है ताकि आप स्टेबल हो जाओ. वही चीज केमिकल्स में है कि वो वर्क हार्ड तभी करेंगे अगर उनको कुछ स्टेबिलिटी मिलेगी. तो एनर्जेटिकली आइडेंटिकल दी स्ट्रक्चर्स आर आइडेंटिकल, बट हाइब्रिड हैज लोअर एनर्जी. द रियल स्ट्रक्चर इज अ हाइब्रिड ऑफ 1 एंड 2. जो रियल स्ट्रक्चर है बेंजीन का वो इन दोनों का हाइब्रिड है. एंड वॉट आर दीज 1 एंड 2 कॉल्ड? दे आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, और दे आर कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, और दे आर कॉल्ड कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स. ये अलग अलग नाम है जिससे हम इन स्ट्रक्चर्स को बुलाते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स. क्यों कॉन्ट्रीब्यूटिंग? क्योंकि दोनों के दोनों कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ. अब जरूरी नहीं है कि किसी भी मॉलिक्यूल को आप सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हो. अगर मॉलिक्यूल बड़ा है तो आपको दो से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो इंडिविजुअल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ये मॉलिक्यूल के एटम्स और कितने टोटल बॉन्ड्स हैं ये तो बताता है, लेकिन कोई भी इनमें से एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होता. एक्चुअल स्ट्रक्चर तो इनका हाइब्रिड ही होता है. तो इनको चाहे हम दिखाते हैं रिएक्शंस में, जब हम बेंजीन के रिएक्शंस दिखाते हैं तो हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो इसका बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होता. एक्चुअल स्ट्रक्चर तो रेजोनेंस हाइब्रिड ही होता है. तो इसलिए हम कहते हैं कि दे आर हाइपोथेटिकल. हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी हैं ये इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स, एंड इंडिविजुअली डू नॉट रिप्रेजेंट एनी रियल मॉलिक्यूल. और अकेले ये कोई भी एक्चुअल मॉलिक्यूल को नहीं दिखाते. एक्चुअल मॉलिक्यूल तो सबको मिलाकर, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिलाकर रेजोनेंस हाइब्रिड ही होता है.
एंड ये खुद जो है इंडिविजुअली ये सिर्फ आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रहा है, एक्चुअल मॉलिक्यूल नहीं दिखा रहा है. और हर स्ट्रक्चर जो होता है वो हर एक की एनर्जी ज्यादा है रेजोनेंस हाइब्रिड से, वो उस एनर्जी को यूज करके ये हाइब्रिड बनाता है. इसका मतलब वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है रेजोनेशन में और रेजोनेंस में वो हेल्प करता है, कॉन्ट्रीब्यूट करता है. सो दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द एक्चुअल स्ट्रक्चर इन प्रोपोर्शन टू देयर स्टेबिलिटी. जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी है किसी भी स्ट्रक्चर की उतना ज्यादा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि रेजोनेंस हो ही क्यों रही है, ताकि स्टेबिलिटी हो. तो अगर आपके पास अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी अलग अलग एनर्जी है, तो वो वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसकी एनर्जी सबसे कम है, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा स्टेबल है ऑलरेडी, और हम ये प्रोसेस कर ही स्टेबिलिटी के लिए रहे हैं, तो इसलिए उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी स्टेबिलिटी के लिए रेजोनेंस में. अब ये था एक एग्जाम्पल बेंजीन. एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं नाइट्रोमिथेन. नाइट्रोमिथेन का मॉलिक्यूल देखो, इसका फॉर्मूला है CH3NO2. ठीक है, CH3N तक तो सेम रहता है. जो O2 है उसमें ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन में एक डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ और एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड. ये जो सेकंड बॉन्ड है ये दोनों ऑक्सीजन में शफल करता रहता है. मतलब रेजोनेंस कहां पे हो रही है, रेजोनेंस इस सेकंड बॉन्ड की हो रही है इन दो ऑक्सीजन के बीच में. तो हमारे दो स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, कौन से, CH3N पॉजिटिव है इसमें, इसमें डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, और दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, CH3N इस वाले ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है और इस वाले के साथ डबल बॉन्ड है. और रेजोनेंस हो कैसे रही है, क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, आप इमेजिन करो कि ये स्ट्रक्चर है, इसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर होने से ये नेगेटिवली चार्ज हो गया और इस पे डबल बॉन्ड है. ये डबल बॉन्ड का जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव कर जाते हैं इस ऑक्सीजन पे. जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव करे गए, इन्होंने एक लोन पेयर बना दिया, तो ये ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. जैसे ये नेगेटिवली चार्ज होगा क्या होगा, यहां पे जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, एक लोन पेयर यहां आकर एक डबल बॉन्ड बना देगा, और उससे हमें क्या स्ट्रक्चर मिला, ये वाला, कि भाई ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आए, इन्होंने डबल बॉन्ड बना दिया, तो आपको यहां डबल बॉन्ड मिल गया. ये यहां गया, इन्होंने लोन पेयर बना दिया, तो नेगेटिव चार्ज यहां पे आ गया. इसका, इसने जैसे ही अपना लोन पेयर यूज किया, इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, तो आपको ये स्ट्रक्चर मिल गया. अब ये स्ट्रक्चर वापस वही चीज करेगा कि जो सेकंड बॉन्ड है ये यहां चला जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और इसका एक दो एक पेयर इलेक्ट्रॉन यहां आके बॉन्ड बना देगा, तो ये नेगेटिव चार्ज गायब हो जाएगा, और इसलिए ये डबल बॉन्ड यहां बन गया और ये सिंगल बॉन्ड बन गया. तो फिर हो क्या रहा है कि ये जो सेकेंड बॉन्ड है ये कभी इस ऑक्सीजन के पास जा रहा है और ये कभी इस ऑक्सीजन के पास आ रहा है. तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये रेजोनेट कर रहे हैं दोनों ऑक्सीजन के बीच में, इसलिए ये दोनों जो हैं कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं. और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा, इसको आप इमेजिन करो, इसके ऊपर रख दो. ठीक है, अब ये CH3NOO ये तो सब अपनी अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो सेकंड बॉन्ड है वो कभी यहां नजर आएगा और कभी यहां नजर आएगा. ठीक है, ये सेकंड बॉन्ड जो है कभी इस जगह नजर आ रहा है, कभी इस जगह नजर आ रहा है. तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगी वो इस तरह की होगी कि दोनों बॉन्ड्स, और इस केस में भी वही होगा कि अगर सिंगल बॉन्ड होता तो बॉन्ड लेंथ अलग होती, डबल बॉन्ड जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन की उसकी बॉन्ड लेंथ अलग है. लेकिन देखते क्या है नाइट्रो कंपाउंड्स में, कि जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है वो सेम होती है. So, अगर बॉन्ड लेंथ सेम है इसका मतलब रेजोनेंस हो रही है, और इसीलिए वो जो बॉन्ड लेंथ है वो ना तो सिंगल बॉन्ड की है ना डबल बॉन्ड की, उन दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ होगी. सो द टू NO बॉन्ड्स आर इक्वल, दैट इज दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड. दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, ना तो वो सिंगल बॉन्ड जितना लंबा होता है और ना ही डबल बॉन्ड जितना छोटा होता है, उन दोनों के बीच में आते हैं. एंड द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड. जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है इसका वो ना तो ये वाला है ना वो वाला है, रेजोनेंस हाइब्रिड है जो मैंने अब ये बनाया है फाइनली. इट इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड. एनर्जी ऑफ द एक्चुअल स्ट्रक्चर विल बी लेस देन बोथ द कैनोनिकल फॉर्म्स. नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन होती ही नहीं. हाइब्रिडाइजेशन होती ही इसलिए ताकि जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी कम हो, इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल हो. द डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल फॉर्म एंड रेजोनेंस हाइब्रिड इज कॉल्ड रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि वॉट इज रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन. मैंने आपको बताया कि डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स की अलग अलग एनर्जी, इन केसेस दोनों हमने एग्जाम्पल्स ऐसे लिए जिसमें एनर्जी सेम है दोनों फॉर्म्स की और हाइब्रिड की इनसे कम है. लेकिन जब आपके पास दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स हैं तो उन और उनमें से कोई एक ऐसा है जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, वो वाला स्ट्रक्चर
रेजोनेंस में ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट तो करता ही है, लेकिन जो हाइब्रिड है उसकी एनर्जी उस लोएस्ट एनर्जी वाले स्ट्रक्चर से भी कम होगी, और उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है एनर्जी की उसको हम रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। इसका मतलब जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी हुई है या एनर्जी डिक्रीज हुई है किसके कारण, रेजोनेंस के कारण। और स्टेबलाइजेशन क्यों, क्योंकि जब भी एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी आती है, तो वो स्टेबिलिटी उसको कैसे मिली है, एनर्जी लूज करने से, वो एनर्जी उसने कैसे लूज की है, रेजोनेंस से, राइट। तो वो रेजोनेंस हाइब्रिड, तो हम कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म मतलब जिस सारे कैनोनिकल फॉर्म्स में से जिसकी सबसे कम एनर्जी थी उसकी बीच में और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और किसी भी कंपाउंड में जितने ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होंगे या मतलब जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ही ज्यादा उसकी रेजोनेंस एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि हर स्ट्रक्चर रेजोनेंस में कंट्रीब्यूट करता है, इसीलिए तो उसको हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। हर स्ट्रक्चर अपनी तरफ से रेजोनेंस हाइब्रिड की थोड़ी सी एनर्जी कम करता है, तो इसलिए जितने ज्यादा नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ही ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी। जब आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो कुछ रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है। वो रूल्स क्या होते हैं, जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं सबसे पहले सेम पोजीशंस ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस क्या होता है, कोई भी एटम एलिमेंट की आइडेंटिटी क्या होती है, ये एलिमेंट ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये हम इससे नहीं बताते कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो एटम लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। हम एक एटम की आइडेंटिटी किसको मानते हैं, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, क्योंकि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और प्रोटॉन्स बताते हैं कि वो एटम कौन सा है। इलेक्ट्रॉन्स को आप इतना उन पर रिलाई नहीं कर सकते। जब हम ये बोलते हैं कि सेम पोजीशंस ऑफ न्यूक्लिया, जो भी एटम्स हैं जब आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो उन एटम्स की जगह नहीं बदलती, वो जहां हैं वो वहीं रहते हैं। तो जैसे कार्बन यहां है, तीन हाइड्रोजन यहां है, नाइट्रोजन यहां है, ऑक्सीजन यहां है, ऑक्सीजन, जो भी एटम्स हैं वो वहीं के वहीं रहेंगे। जो चेंज होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में वो सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन बदलती है, एटम्स की जगह नहीं बदलती। तो जब भी आप स्ट्रक्चर्स बनाओगे उसमें एटम्स, हर कैनोनिकल फॉर्म में एटम्स अपनी जगह पर होंगे, आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को मूव करोगे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैव द सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, दे हैव द सेम अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, कितने बॉन्डेड हैं, कितने अनबॉन्डेड हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी दोनों में हमेशा सेम रहेंगे, क्योंकि उतने एटम्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स थे, ना तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं ना लूज हो रहे हैं, सिर्फ उनकी जगह बदल रही है। इसलिए हर स्ट्रक्चर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी सेम होने चाहिए, यानी कि इसमें बॉन्ड्स बढ़ गए इसमें बॉन्ड्स कम हो गए ऐसा नहीं होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहने चाहिए हर रेजोनेंस हाइब्रिड में, सिर्फ उनकी पोजीशन आप बदलते हो। दैट स्ट्रक्चर विच हैज मोर नंबर ऑफ कोवलेंट, अब जितने आपने अलग अलग रेजोनेंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए आपको कैसे पता चलेगा कि इन सब में से कौन सा है जिसकी जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, जिस जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, उसको पता करने का भी तरीका होता है कि वो स्ट्रक्चर जिसमें ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड्स हों, All atoms except hydrogen have their octet complete. सब atoms का octet complete हो रहा है, जो हमने check किया यहाँ पे, carbon अगर चार चार bonds बनाता है तो उसका मतलब उसका octet complete है, hydrogen तो के पास second shell होती ही नहीं है, तो इसलिए वो तो अपना हर reaction में duplet complete करता है, तो इसलिए hydrogen कम छोड़ देते हैं, लेकिन बाकी atoms का octet complete होना चाहिए। तो वो स्ट्रक्चर जिसमें कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा हो, जिसमें सारे एटम्स का ऑक्टेट कम्प्लीट हो रहा है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कम्प्लीट हो रहा है, लेस सेपरेशन ऑफ ऑपोजिट चार्जेस, मतलब जो ऑपोजिट चार्जेस क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक एटम बोलता भाई मैं पॉजिटिव हूं मैं नेगेटिव हूं, और वो दोनों फंस के बैठ गए कि हाँ पॉजिटिव मैं ही रहूंगा नेगेटिव मैं ही रहूंगा। इस केस में देखो पॉजिटिव तो नाइट्रोजन ही था, लेकिन नेगेटिव कभी इस ऑक्सीजन के साथ था कभी उस ऑक्सीजन के साथ था। तो जो सेपरेशन ऑफ चार्जेस है वो सेपरेशन ऑफ चार्जेस बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है कि हाँ भाई मैं तो हमेशा पॉजिटिव हूं मैं तो हमेशा नेगेटिव हूं। वो जो सेपरेशन ऑफ चार्जेस बिल्कुल दो एटम्स के बीच में नहीं होना चाहिए और वो फैलना चाहिए, वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो
हम कहेंगे कि लेस सेपरेशन ऑफ ऑपोजिट चार्जेस, मोर डिस्पर्सल ऑफ चार्जेस, जिसमें होगी वो जो कैनोनिकल फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल होगा, राइट? तो और जो कैनोनिकल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी वो रेजोनेंट जो हाइब्रिड है उसकी एनर्जी को और भी लो करेगी, इसका मतलब उसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, राइट? तो ये था रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसे थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, रेकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स को और वापस आते रहिए बार बार मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय फॉर नाउ.